कर्नाटका के राज्यपाल श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, कर्नाटका सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भारत की समुद्री ताकत के लिए बहुत बड़ा दिन है। राष्ट्र की सैन्य सुरक्षा हो या फिर राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा, भारत आज बड़े अवसरों का साक्षी बन रहा है। अब से कुछ समय पहले कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लोकार्पण ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। और अब यहां मंगलुरु में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। ऐतिहासिक मंगलुरु पोर्ट की क्षमता के विस्तार के साथ साथ यहां रिफाइनरी और हमारे मछुआरे साथियों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन परियोजनाओं के लिए मैं कर्नाटका वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटका में व्यापार कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जिन पंच प्राणों की बात मैंने की है, उनमें से सबसे पहला है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मेक इन इंडिया का विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो, ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। आज देश का शायद ही कोई हिस्सा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम न चल रहा हो। भारतमाला से सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है।
तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागर माला से शक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, बीते वर्षों में देश ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी साल 2014 तक हमारे यहां जितनी पोर्ट कैपेसिटी बनाई गई थी, पिछले 8 वर्षों में उतनी ही नई जोड़ी गई है। मैंगलोर पोर्ट में जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई सुविधाएं जोड़ी गई है, इससे इसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ने वाला है। आज गैस और लिक्विड कार्गो के स्टोरेज से जुड़े जिन 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां किया गया है, उनसे कर्नाटका और देश का बहुत लाभ होने वाला है। इससे खाद्य तेल की, एलपीजी गैस की, बिटुमिन की इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी। साथियों, अमृत काल में भारत ग्रीन ग्रोथ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब, ये नया अवसर है। यहां की रिफाइनरी में जो नई सुविधाएं आज जुड़ी हैं, वे भी हमारी इन्हीं प्राथमिकताओं को दर्शाती है। आज हमारी रिफाइनरी नदी के पानी पर निर्भर है। डीसेलिनेशन प्लांट से रिफाइनरी की नदी के पानी पर निर्भरता कम हो जाएगी। भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों में देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को जिस प्रकार देश ने प्राथमिकता बनाया है, उसका बहुत अधिक लाभ कर्नाटका को मिला है। कर्नाटका सागरमाला योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। कर्नाटका में सिर्फ नेशनल हाईवे के क्षेत्र में ही पिछले 8 वर्षों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। इतना ही नहीं, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु मैसूर रोड हाईवे की 6 लेनिंग, बेंगलुरु से पुणे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बेंगलुरु सैटेलाइट रिंग रोड, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। रेलवे में तो 2014 से पहले की तुलना में कर्नाटका के बजट में 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। रेल लाइनों के चौड़ीकरण में भी बीते 8 सालों में 4 गुना से अधिक गति से काम हुआ है। कर्नाटका में रेल लाइनों के बिजलीकरण का तो बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 8 वर्षों में पूरा किया गया है। साथियों, आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर इतना फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि यही
डेवलप भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उस सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है। अमृतकाल में हमारे बड़े संकल्पों की सिद्धि का रास्ता भी यही है। देश के तेज विकास के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि देश के लोगों की ऊर्जा सही दिशा में लगे। जब लोगों की ऊर्जा मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में लगी रहेगी तो फिर इसका प्रभाव देश के विकास की गति पर भी पड़ता है। सम्मान से जीवन जीने के लिए पक्का घर, टॉयलेट, साफ पीने का पानी, बिजली और धुआं मुक्त किचन, ये आज के युग में स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। इन्हीं सुविधाओं पर हमारी डबल इंजन की सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। पिछले 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। मध्यम वर्ग के हजारों परिवारों को भी अपना घर बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की मदद दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 6 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। कर्नाटका के भी 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। मुझे खुशी है कि इन सुविधाओं की सबसे अधिक लाभार्थी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। साथियों, गरीब की बहुत बड़ी आवश्यकता, इलाज की सस्ती सुविधा और सामाजिक सुरक्षा होती है। जब गरीब पर संकट आता है तो पूरा परिवार और कई बार आने वाली पीढ़ियां तक मुश्किल में पड़ जाती है। गरीब को इस चिंता से आयुष्मान भारत योजना ने मुक्ति दिलाई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब करीब 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है। इससे गरीबों के करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। आयुष्मान भारत का लाभ कर्नाटका के भी 30 लाख से अधिक गरीब मरीजों को मिला है और उन्हें भी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे यहां ऐसी स्थिति रही कि सिर्फ साधन संपन्न वालों को ही विकास का लाभ मिला। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे उन्हें पहली बार विकास के लाभ से जोड़ा गया है। जिनको आर्थिक दृष्टि से छोटा समझकर भुला दिया गया था, हमारी सरकार उनके साथ भी खड़ी है। छोटे किसान हो, छोटे व्यापारी हो, मछुआरे हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोगों को पहली बार
देश के विकास का लाभ मिलना शुरू हुआ है, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 35 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। इसका लाभ कर्नाटक के भी लगभग 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है। मुद्रा योजना के माध्यम से देश भर में अप्रथम नायकरु भारत जन नायक प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी और कर्नाटक गौरवान्वित राज्यपाल श्री तावरचंद गेलोत जी और नमेल हिरिय नायकरु जन नायकरु मत्तु माजी मुख्यमंत्री श्री बी एस येडियूरप्प साहेबरे केंद्र हिरिय सचिवरु आत्मीयर प्रह्लाद जोशी और ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸೋನೇವಾಲ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಶಾಂತನು ಠಾಕೂರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಅಂಗಾರ ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಶೋಭಕ್ಕ ಕರಂದ್ಲಾಜಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶಾಸಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶ ವಿನಿಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ 8 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 4 ಪಟ್ಟು ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟಮಿನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಲವಾರು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಗರ್ ಮಾಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ 14 ಯೋಜನೆಗಳು ಇದೇ ವರ್ಷ 950 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, CRZ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳಗಿರುವಂತಹ ಅನುಕೂಲ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ CRZ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ
ಇವತ್ತು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಆಪ್ಕೆ ಆನೆ ಸೇ ಬಹುತ್ ದಿನ ಕಾ ಹಮಾರಾ ಜೋ ಖಾಬ್ ತಾ ವೋ ಸಿ ಆರ್ ಜಡ್ ನಾಮ್ಸ್ ಕೋ ಹಮಕೋ ಬದಲನಾ ಹೈ, ಇದರ ಕಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಡಾವ ದೇನಾ ಹೈ, ಆಜ್ ಉಸ್ಕಾ ಶುಭ ದಿನ ಆ ಗಯಾ ಹೈ. ಆಪ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಮೈ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ, ಆಪ್ಕಾ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಜಾಲಿ ಪೋರ್ಟ್, ಕಾರವಾರದ ಮಜಾಲಿ ಪೋರ್ಟ್ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ 100 ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಪ್ ಸಿ ಫಿಶಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇವತ್ತು ಫಿಶರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕರ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಹಮಾರಿ ಶಿಶೋರ್ ಪೆ ಡೀಪ್ ಸಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕೆ ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ 40% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ರೇ ಹೇ, ವೋ 100 ಬೋಟ್ಸ್ ಆಪ್ನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೆ ದಿಯಾ ಹೈ, ಮೈ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಔರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು 2 ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಪೂವಿನಕಾರ ಇವು 2 ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್, ಕಾರವಾರ ಪೋರ್ಟ್ ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು 2,00,000 ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 5,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ 64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಿಶರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಇದೆ.